आप लोगों की समस्या आगे पहुंचाई जा रही है, ठीक है? बिल्कुल सर, कंट्रोल रूम का बता, हमें ये चाहिए। बुलाइए बुलाइए, गलती आप लोग कर रहे हैं, गलती आप कर, सुबह से आप लोग को देख रहे हैं, ठीक ना? मैनेजर को बुलाइए ना, खाना मैनेजर टेस्ट करेगा, पर चावल कितना कच्चा है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। टैग लगाने के काम आता है भाई। सर इस पार्ट में हमारा केले का नहीं है ना, हमारे कोच में सबको वही हुआ है, मेरे साथ तीन बंदा और साथ में बैठा है मेरा भाई लोग। क्यों नहीं वीडियो बनाएंगे हम, गलत हुआ तो बनाएंगे वीडियो। खाने का क्या रेट आता है, खाने का रेट क्या आता है, खाने में आपका दही मिसिंग है। लोकल पानी बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, लोकल पानी ट्रेन में चढ़ा सकते हैं। कैसे चढ़ा लोकल पानी, कैसे चढ़ा? चावल था ना, हम इनको टेबल पे लाके रखे हैं। हम ना पैसेंजर को पूछवा सकते हैं कि जाए आपको चावल कच्चा है, बोल क्या है। तो भाई निर्धारित समय से 5 मिनट की डिले के साथ अप ट्रेन आ चुकी है पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और गाजियाबाद के WAP-7 लोकोमोटिव के साथ अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस आई है। तो भाई साहब भीड़ देख सकते हो श्रमजीवी एक्सप्रेस में कितना ज्यादा है, मतलब देख रहे हो अभी ट्रेन लगी भी नहीं है, चढ़ने वालों और उतरने वालों का भीड़ देख सकते हो भाई कितना ज्यादा भीड़ है मतलब इस ट्रेन में। तो भाई भीड़ देख सकते हो कितना ज्यादा है, मतलब अंदर से पैसेंजर उतर भी नहीं पा रहा, नहीं चढ़ पा रहा, मतलब इतना ज्यादा हुजूम है इस श्रमजीवी एक्सप्रेस में भाई। और आज इस ट्रेन का पहला LHB रन है, भीड़ देख सकते हो। तो ये रही अपनी कोच S2, तो चलते कोच के अंदर कंडीशन दिखाते हैं कोच का कैसा है। तो भाई कुछ ऐसा हाल है श्रमजीवी एक्सप्रेस का फर्स्ट LHB रन में, और अपन का जो सीट है आगे की साइड में भाई अच्छी नहीं है। तो भाई ये रहा अपना सीट 55 नंबर, भैया उठिएगा कौन कौन यहाँ पे हैं। और कुछ ऐसा हाल है श्रमजीवी एक्सप्रेस का, पूरी तरीके से पैक है। लोकल पानी कहाँ बेच रहे हो, लेते हैं ना रेल नीर, लेते आइएगा रेल नीर, लेते हैं 4 बोतल। ढाई सौ से 15 मिनट डिले के साथ अब ट्रेन आ चुके आरा जंक्शन जिसका स्टेशन A-R है। यहाँ पर अब ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है भाई। वैसे आरा में जो है ना काफी सारे पैसेंजर अब ट्रेन बोर्ड भी किए हैं और डिबोर्ड भी किए हैं। तो भाई 2 मिनट के हॉल्ट लेने के बाद अब ट्रेन डिपार्ट ले चुकी है आरा से, तो चलिए अब डिपार्चर देखिए। भाई साहब भीड़ देख सकते हो, मतलब COC कपलिंग के बीच में भी लोग बैठ के जा रहे हैं, मतलब सफर करने को मजबूर है। और सिंह का कंडीशन कुछ ऐसा है अभी फिलहाल। भाई कुछ लोग ऐसे भी है देख लीजिए, मतलब इमरजेंसी विंडो से आते हैं और उनका सारा सामान इधर फेंका हुआ है, आटा हो गया इसमें, 2 बैग इधर फेंका हुआ, बड़ा वाला बैग और दे रहे थे वो लोग। देख लीजिए क्या सिचुएशन है भाई साहब यहाँ पे। देख लीजिए बोरा देख रहे हो ना सामने, उसके अंदर है लोकल पानी, मतलब वीडियो हम लोग बना रहे हैं पेंड्री वाले को पता चल चुका है, लेकिन भाई किस तरीके से लोकल पानी लेके जा रहे हैं वो लोग आप देख सकते हो बोरे में पैक करके। तो ये सिचुएशन है श्रमजीवी एक्सप्रेस का। तो भाई अगर स्टेशन में जर्नी करते हो तो आपको ईयरफोन वॉच हर चीज़ आपको मिल जाएगा, मतलब गुटखा सिगरेट दारू छोड़कर हर चीज़ का फैसिलिटीज आपको स्टेशन में मिल जाएगा, इतना लेजेंडरी ट्रेन है। और कुछ पैसेंजर यहाँ से ले भी रहे हैं, देख रहे हो ना, वीडियो पॉज करके आप देख लेना, ईयरफोन वॉलेट माला बेल्ट तो हर चीज आपको मिल जाएगा इस श्रमजीवी एक्सप्रेस। इसके फायदे क्या है, जन्म मरण का रोग मिटेगा आपके खानदान से, 101 पीढ़ियां तारी जाएगी आपके खानदान से, 101 पीढ़ियां तारी जाएगी आपके खानदान में, कोई रोगी नहीं रह जाएगा, रोग मुक्त होगा, बाप के जीते बेटा का मौत नहीं, चुप रहो पहले सुनो, बाप के जीते बेटा का मौत नहीं होगा, दशक बना के मांगो गरज है तो लो नहीं अपना काम करो, आपके माई के बाप के, सॉरी बाबा हम विक्रेता नहीं है, सिफारिश करने वाले नहीं, हम सेवक प्रचारक हैं भाई जी, हम आगे बढ़ेंगे, रात खर्चा दीजिए, भूख है तो गरज है तो दुआएं जकार आवे तो लेना, दुआएं जकार है तो लेना, कोई जरूरी नहीं
भूखी आत्मा मांगेगी, तड़पती मांगेगी, कसक के साथ मांगेगी। मन में कोई दोष विकार आ गया तो लेना जरूरी है क्या? जीव हमारी जाति है, मन में किसी प्रकार का दोष आ जाए तो मत मांगो, आँख में आंसू ढार के मांगो। तीन सौ दस किलो दूरी तय करने के बाद अब ब्रिटेन का 12वां हॉल्ट आ चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका शुरुआत डीडी हो रहा है। यहाँ पर ब्रिटेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे ब्रिटेन जो है ना यहाँ पर 10 मिनट डिले के साथ ही आई है। और डीडी में जो है एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड भी है। अगर आप डीडी रेलवे स्टेशन आते तो खाने पीने का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको IRCTC का फूड प्लाजा भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही एसी वेटिंग हॉल, एसी डोरमेटरीज, ऐसी तमाम फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे अगर आप इसमें जर्नी करते हो दोपहर के वक्त में आपको गर्मा गर्म समोसे आलू वड़े मिल जाएंगे। इसे हम लोग को बहुत ज्यादा ही भूख लगा था, क्योंकि डीडीयू रेलवे स्टेशन में कुछ ऑप्शन था नहीं ज्यादा। हमने तो ऐसा किया, गर्मा गर्म समोसा ले लिया, जो कि मुझे 20 रुपए का प्लेट मिला है। इसके अंदर दो पीस आपका देख रहे हो ना भैया लोग यहाँ से ब्रेड ऑमलेट वगैरह खा रहे। वैसे इस कलर से समोसा कैसा है? वैसे समोसा का टेस्ट काफी बढ़िया, मतलब चटनी जो किया गया देख रहा हो ना, बिल्कुल लाइट मसाले के साथ काफी बढ़िया लग रहा है खाने में। वैसे समोसा भी बिल्कुल गर्मा गर्म है। अब प्लेटफॉर्म नंबर 6 के साइड में आता हूं, एमएस करके कुछ नाम है इसका, मेरे तरफ से आपको रिकमेंडेड है। कैसे भैया ये एक प्लेट बना देना, पैक कर देना जैसा कर रहा हो वैसे एक पैक कर दो। अगर आप मुगलसराय रेलवे स्टेशन आते हैं ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये वाला काफी ज्यादा फेमस है। ये वाला बस आपको डीडीयू रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलने वाला है। क्यों अंकल, ये बस इधर ही मिलता है ना? अब बहुत ज्यादा ही फेमस है ना ये वाला इधर का, तो अंकल भी बता रहे काफी ज्यादा ये वाला फेमस है। अगर आप इस तरफ आते हो ना या क्रॉस करते हो डीडीयू रेलवे स्टेशन से, मेरे तरफ से रिकमेंडेड है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो भाई ये है सरमजीवी एक्सप्रेस, और ये S2 है और ये सामने वाला S3 है। दोनों के बीच में देख रहे हो लोकल पानी कितना ज्यादा रखा गया है, मतलब पेंट्री कार में रेलियन रखा गया है और कोच के अंदर लोकल पानी रखा गया है। देख रहे हो ना पूरा कार्टून भर भर के, यहाँ पे एक पेटी रेलियन भी है। अगर पानी मांगते हो आप तो आपको लोकल पानी दिया जाएगा, वो भी 20 रुपए का, हमने खुद भी लिया है, मेरे पास वीडियो भी है। तो भाई इसको मैनेजर को बुलाएंगे, अभी कंप्लेन भी करेंगे, ट्वीट भी करेंगे। भाई देख रहे हो ना ये पूरा इधर बोरा में लोकल पानी, लोकल पानी, लोकल पानी, लोकल पानी, सब जगह लोकल पानी देख रहे हो ना। बहुत लोकल पानी है, रेली केवल दो ही है। देख लो लोकल पानी का पेटी है ना, देख लो भाई। तो भाई फाइनली 45 मिनट के बाद अब पीटिंग का सिग्नल हो चुका है। देख रहे हो ना आगे की साइड जो भी पैसेंजर है फटाफट ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं। वैसे हम लोग भी चलते, अपना कोच सामने वाला ही है। वो खड़ी है चोर वे। अभी जो शाम के बज रहे 5 और अभी जो ट्रेन वाराणसी जंक्शन के आउटर से पहले खड़ी है, तो हमने शाम के नाश्ते में ले लिया ब्रेड का ट्रीट। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले एक टोमेटो केचप निकला हम लोग को, और ये रहा 2 ब्रेड, इसके अंदर जो है ना बटर वगैरह कुछ नहीं लगाया गया है। और कटलेट देख सकते हो भाई काफ़ी गर्मा गर्म कटलेट है, और देखने में तो भाई काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। ऐसा करते हम लोग कटलेट को टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा है। वैसे कटलेट जो काफ़ी बढ़िया है, इसके अंदर मसाला यूज़ किया, बिल्कुल लाइट मसाला यूज़ किया गया। वैसे भाई अगर बटर लगा कर दिए होते ना ब्रेड के अंदर तो भाई मजा आ जाता। दूरी तय करने के बाद अपडेट का 21वां हॉल्ट आ चुका है वाराणसी जंक्शन, जिसका शेड्यूल BSB, और यहाँ पर अपडेट का 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे ट्रेन जो है ना यहाँ पर लगभग 2.5 घंटे डिले के साथ है। मैं रीजन आपको बता दूं तो भाई सबसे पहले ट्रेन के लोकोमोटिव में कुछ इशू आया, फिर भाई चैन पुलिंग किया गया, फिर भाई वायर जो होता है ना उसमें भाई कुछ प्रॉब्लम आ गया। जो वाराणसी जंक्शन की साइड का था ना वहाँ पे भाई वायर जो है ना साइड टूट गया था, इसी वजह से अपने ट्रेन डिले हो गया। भाई वैसे वाराणसी जंक्शन पे काफी ज्यादा क्राउडेड है, मतलब देख रहे अपने ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है, क्राउड इतना ज्यादा है ना क्या ही बताएं आपको। वैसे अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। वाराणसी से वाराणसी जंक्शन
तो विशाल भाई ये बताओ यार, ट्रेन अपने डिपार्ट लिए वाराणसी जंक्शन से, 7:05 भी नहीं किया गया, सिंह का कंडीशन देख रहा हो यार कितना गंदा है, मतलब हालत है बहुत ही खराब हालत है। ऊपर से एक बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने, जो जब ये ICF चलती थी ना तो इसके साथ 24 कोचेज लगे होते थे, लेकिन अभी इसके जो स्लीपर कोचेज है और टोटल कोचेज अभी 22 चल रहे हैं। स्लीपर कोचेज इन्होंने 4 कोचेज कम कर दिए हैं और 2 AC के बढ़ा दिए हैं भाई, तो टोटल 22। भाई तो यही रीजन है भीड़ होने का। देखिए भीड़ भाई, और भीड़ देख लीजिए भाई, मतलब पैसेंजर जो है ना COC कपलिंग जो होता है ना यहाँ पे बैठ के जा रहे हैं भाई, देख रहा हूँ ना कि जान जान जोखिम में डाल के यहाँ से जा रहे हैं, मतलब देख रहा हूँ इनकी मजबूरी है भाई जाना, कोच के अंदर जगह है नहीं। तय करने के बाद अब ब्रिटेन का 23वां हॉल्ट आ चुका है सुल्तानपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड SLN और यहाँ पर ब्रिटेन का 2 मिनट का हॉल्ट। वैसे अभी जो है थोड़ी देर पहले भैया रात का डिनर का ऑर्डर लेने के लिए हमने जो एक वेज थाली ऑर्डर कर दिया और साथ ही में 3 अंडर थाली ऑर्डर की, क्योंकि हम नहीं कर रहे ऋषि भैया विशाल और अंजन नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई 4 लोग हम लोग, तो हमने ऑर्डर कर दिया। वैसे मैं इसकी कॉस्टिंग की बात कर लूँ, आपको वेज थाली 100 रुपीज का मिलने वाला और अंडा थाली आपको 120 रुपए का मिलने वाला, और साथ ही में इस ट्रेन में लोकल पानी भी सेल किया जा रहा है वो भी 20 रुपए का। भाई ये बहुत बुरा लगा यार, मतलब इतना बुरा हाल चल रहा है ना, मतलब जब से ट्रेन निकली है ना तब से लोकल पानी सेल किया जा रहा है, मतलब कितना रिक्वेस्ट करने पे मांगने पे आपको इस ट्रेन में रेल नहीं दिया जाएगा, वो भी 20 रुपए का, 15 का नहीं 20 रुपए का लोकल पानी भी सेल किया जा रहा है 20 रुपए का ही। जैसे अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट लगे वैसे हम लोग रात का डिनर को टेस्ट करेंगे, टेस्ट बताएंगे आपको कैसा है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का केवल 2 मिनट का हॉल्ट और सिग्नल भी हो चुका है, और सुल्तानपुर जंक्शन पे वो खाने पीने का कोई भी दिक्कत नहीं होने, मेरे पीछे पीछे देख रहा ना बहुत सारे स्टॉल आपको देखने को मिल गया। और यहाँ तो भाई 2 मिनट के हॉल्ट लेने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट ले चुके हैं सुल्तानपुर जंक्शन से, तो आप डिपार्चर देखिए वैसे यहाँ से भी बहुत। भाई तो ये रहा वेज बिरयानी, इसके अंदर देख सकते हो ये आलू डाला गया वेज बिरयानी के नाम पे, और इसके अंदर है ना छोला डाला गया, मतलब ये किस एंगल से वेज बिरयानी लग रहा है भाई मुझे तो नहीं पता चल रहा है। भाई भाई तुम्हें लग रहा है ये वेज बिरयानी किसी भी एंगल से? भाई वेज बिरयानी तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रही, बस छोले वोले डाल दिए और चावल पीले कर दिए बस। भाई वही मुझे भी लग रहा है, मतलब यार बताइए कितना, मतलब पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है इस ट्रेनों में। देख लीजिए चावल है, इसके अंदर कोई वेजेज वगैरह नहीं डाला गया है, जबकि IRCTC का भाई जो भी बिरयानी आता है ना खाना आपको 90 ग्राम है ना वेजेज वगैरह डालना है, इसको कुछ है नहीं। टेस्ट कर लेते, टेस्ट बताते आपको वैसे कैसा है। भाई हम लोग टेस्ट कर लेते वेज बिरयानी कैसा है। वैसे चावल काफ़ी बढ़िया है, गर्मा गर्म है, अब टेस्ट कर लेते भाई ये, और इसके अंदर है ना सोयाबीन भी डाला गया। वैसे बिरयानी का जो चावल यूज़ किया काफ़ी बढ़िया है, लेकिन भाई इसके अंदर जो सोयाबीन यूज़ किया गया ना भाई वो हल्का कच्चा है, और आलू जो डाला गया उसमें कोई स्वाद ही नहीं है, मतलब यार वेज वगैरह डाला जाता भाई तब तो मज़ा आता, मतलब अगर आप साउथ की ट्रेन में जाओगे ना आपको प्रॉपर वेज बिरयानी दिया जाएगा, जैसे रेस्टोरेंट में खाते हो ना सेम उसी तरीके का आपको दिया जाएगा भाई। अगर ज़्यादा भूख लगा तभी आप वेज बिरयानी खाना, मेरे तरफ से यही रिकमेंडेड है भाई। तो भाई अभी से शाम के बज रहे 8:30 और अभी से हम लोग को सर्व कर दिया गया रात का डिनर, हम आपको दिखाते हैं हम लोग को क्या क्या सर्व किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो आलू चने का सब्जी दिया गया, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और ये रहा दाल, दाल का क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लेकिन क्वान्टिटी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, और ये रहा चावल जो कि बिल्कुल गर्मा गर्म है, इसके साथ मैंगो पिकल दिया गया, और ये 2 पराठा दिया गया, पराठे का साइज भी काफ़ी छोटा छोटा दिया गया, देख रहे हो इसका टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है। हलमुख जो है सबसे पहले टेस्ट करते हैं आलू छोला का सब्जी कैसा है। आलू छोला का सब्जी काफ़ी बढ़िया है, मुझे जो है ना हल्का सा नमक कम लगा इसमें। वैसे अब दाल टेस्ट कर लेते हैं कैसा है, दाल का टेस्ट काफ़ी बढ़िया लेकिन हल्का सा नमक इसमें ज़्यादा लग रहा है। वैसे चावल का क्या ही टेस्ट करें भाई, पराठा है जो कि बिल्कुल गर्मा गर्म दिया गया, ऐसा करते खाना कंप्लीट करते लास्ट में और अच्छे से रिव्यू देते आपको लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। वैसे मैं इसकी कॉस्टिंग की बात कर लूँ भैया इसका 100 रुपीज़ बता रहे हैं, और इसमें कट भी मिसिंग है, आपको इसका ओरिजिनल प्राइस भी पता है, इसका ओरिजिनल प्राइस 80 रुपये है। वैसे भाई इस ट्रेन में धांधली काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, खाना कम्प्लीट करते हैं फिर मैनेजर साहब के पास चलते हैं, क्या दिक्कत परेशानी हो गई है भाई उनको, तो इस तरह का खाना सेल कर रहे हैं मतलब ट्रेनों में, सबमिट करते हैं फटाफट। तो भाई साहब अभी जो है हम लोग चावल खा रहे थे, चावल जो है ना कच्चा है भाई, देख रहे हो देखिए कच्चा अंडा दे दिया हमने, चावल देख रहे हो ना किस तरीके का चावल दिया जा रहा है श्रमजीवी एक्सप्रेस में, देखिए जैसे
तो भाई ये देख सकते हो हमसे इतना ही खाना खाया गया और चावल जो है पूरी तरीके से कच्चा। कैसा था मिसाल खाना? चावल कच्चे चावल दिए यार। तो देख सकते हो भाई कच्चे चावल, हमारा तमाशा देख रहे हैं भाई, मेरे पेट दर्द हो गई चावल खा खा के। कंटीन में चल तो भाई ये बॉक्स लेकर पेंट्री मैनेजर के पास चलता है, उसी को ये चावल खिलाते हैं। तो भाई अभी से हम पेंट्री कार में जा रहे थे और ये S5 कोच का हाल देख लीजिए, मतलब पूरा लोकल पानी बोर्ड किया गया सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से। अभी से खाना लेकर चल रहे मैनेजर के पास, वही बीच रास्ते में दिख गया भाई लोकल पानी हमें, तो हमने भी सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए क्या धांधली है इस ट्रेन में। मैनेजर को बुलाइएगा, मैनेजर को बुलाइए ना, खाना मैनेजर टेस्ट करेगा। पर चावल कितना कच्चा है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, कच्चा चावल सर्व किया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप खोलिए इसको, खोल के पहले टेस्ट कीजिए, आप उंगली से कर सकते हैं, उंगली से कीजिए पहले। दूसरा चावल नहीं, दूसरा चावल टेस्ट कीजिए, यहाँ पे देखिए है कि नहीं है। भट्टी गड़बड़ से बात नहीं है आपका, यहाँ पे बिरयानी आपका कहाँ से आया, बना है ट्रेन में? बिरयानी आपका बिल्कुल सही है, बिरयानी का चावल भी सही है। मैनेजर को बुलाइए, कहाँ है मैनेजर? मैनेजर को बुलाइए, हमको आपका बात नहीं सुना, आप स्टाफ है, मैनेजर को बुलाइए अभी, यहाँ पे बैठने का बात नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे। अब मैनेजर को बुलाइए अभी पहले, इतना थर्ड क्लास खाना सर्व किया जा रहा है यहाँ पे। चावल टेस्ट कीजिए भैया, थोड़ा देखिए उंगली से दबा के, चावल पूरा कच्चा है आपका, दूसरा खाना नहीं खाना हमको, सारा चावल वही आप लोगों को दिया जा रहा है। आपके दो चार बंदे को बोले बोलते हैं हे, कच्चा चावल नहीं हो सकता है, कच्चा चावल नहीं हो सकता है, बात करेंगे ना। अरे भैया एक बार आप पूरा दबा के देखिए, तो भैया हमारा केले का नहीं है ना, हमारे कोच में सबको वही हुआ है, मेरे साथ तीन बंदा और साथ में बैठा है मेरा भाई लोग। जानकारी का क्या मतलब है भैया यहाँ पे, क्यों नहीं वीडियो बनाए हम, क्यों नहीं वीडियो बनाएंगे हम, गलत हुआ तो बनाएंगे वीडियो। खाना ओवर प्राइसिंग भी आप सेल कर रहे हैं, खाने का क्या रेट आता है, खाने का रेट क्या आता है, खाने में आपका दही मिसिंग है, दो छोटा छोटा पराठा दिए, इतना दो पराठा दिया आपका बंदा, भैया जी इतना छोटा छोटा पराठा दिया है, इतना छोटा छोटा पराठा आता है, खाने में दही मिसिंग है आपका, खाने में दही मिसिंग है, दही लाइए हमको खाने के साथ, चार थाली लिए जाए और दो बिरयानी लिए, छह दही हमको ला के दीजिए आप, खाने का बिल निकाल के लाइए। भैया आपके कच्चे चावल है, देखिए भाई भी साथ में मेरा भाई है, पैसा हमने पे किया, अचानक से क्या हुआ? अरे बोल रहे पहला दिन चल रहा है, इनको चावल ऐसे करके दिखा रहे, चावल देखिए क्या कंडीशन है चावल का, नहीं बंद करेंगे, क्यों बंद करेंगे हम, लोकल पानी सुबह से बेच रहे हैं आप लोग, हम कुछ गलत कर रहे हैं, लोकल पानी आप पी रहे हैं, पिए पिए 20 रुपए दे के पिए, ये अभी भी लिया, हमने खाना लिया, अभी जो हमने खाना, दो बिल दो, बिल दीजिए, बिल दीजिए, बिल दो हमें, लोकल पानी कैसे चढ़ा रहे हो आप ट्रेन में, लोकल पानी अभी S5 में, S5 में अब भी लोकल पानी चढ़ा है आपका, और पूरा बीमार हो रहा है यार, कौन दे रहा है रेलवे, कोई नहीं दे रहा रेलवे, बिल बुक कंप्लेंट बुक निकालिए, क्या ठीक है, बुलाइए बुलाइए बुलाइए, गलती आप लोग कर रहे हैं, गलती आप लोग कर रहे हैं, गलती आप कर रहे हैं, गलती आप कर, सुबह से आप लोग को देख रहे हैं ठीक ना, 120 में दे रहे हो, सुन सुन भाई एक सेकंड, गलती आप नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोकल पानी बेचना अलाउ है, लोकल पानी बेचना अलाउ है, 20 का बेचना अलाउ है, लोकल पानी बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, लोकल पानी ट्रेन में चढ़ा सकते हैं, कैसे चढ़ा लोकल पानी, कैसे चढ़ा, हम हर चीज के लिए बोलेंगे, लोकल पानी चढ़ा, लोकल पानी हम दो बोतल लिए 40 रुपए पे किए हैं, जस्ट अभी लेके आ रहे हैं, जस्ट अभी लोकल पानी कैसे चढ़ा, S5 में चढ़ा हुआ, S3 के बीच में चढ़ा हुआ है, बिल हमें काट के लाइए, साथ में 6 दही भी चाहिए हमको, अंडा थाली आपने 120 की दी, बिरयानी प्राइस सही है लेकिन दही नहीं दिया बिरयानी के साथ, और वेज थाली के साथ दही आता है वो भी नहीं दिया आपने, और आपका बंदा बोलता है
कि चाय पानी पिला देंगे, चाय पानी पिला देंगे सुबह में। उससे तीन चार बार पूछे हैं रेट सही ले रहे हो, रेट सही ले रहे हो, बोला हाँ रेट सही ले रहे हैं। पाँच दस दस रुपए कम कर लो भाई, इतनी से कौन सर ओवर प्राइसिंग खाना सेल कर रहे हैं ये लोग, ओवर प्राइसिंग खाना सेल कर रहे हैं। चावल कच्चा है, हम वीडियो बना के सर ट्विटर पे ट्वीट करेंगे डायरेक्ट सर, वही वीडियो बना रहे हैं इनका सर। लोकल पानी सुबह से सेल कर रहे हैं ये लोग, सर हम खाना का पैकेट लेके आए इनके लिए, कंप्लेन बुक सर इनसे ले रहे हैं हम, कंप्लेन बुक देंगे हमको, कंप्लेन बुक इनके पास अवेलेबल, हम अपना कंप्लेन नोट करेंगे उसमें। सर इनके पास जो होता है टीटी सर को क्यों लेंगे सर, इनके पास है अवेलेबल, कंप्लेन बुक इनके पास होता है। लोकल पानी क्यों चढ़ा रहे हैं, लोकल लोकल 20 रुपए का एक्वा करके कोई पानी है, वो जो राइड होंगे वही, नहीं नहीं लोकल 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 बिस्लरी पैक लगाने के लिए काम आता है, बिस्लरी पैक लगाने के काम आता है भाई। सर एस फाइव में चलिए, सर एस फाइव में चलिए, एस फाइव में चलिए ना, पूरा लोकल पानी है बहुत रखा हुआ है, एक लाइन से रखा। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए सर आप आइए। हम इनका बात कर रहे हैं सर, आप जा सकते हैं सर, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं उन कैमरा बात करूंगा, बाद में मेरे ऊपर आरोप लगाया तुमने मेरे साथ आके लड़ाई झगड़ा किया। बोलिए अभी एसी में खाना फेंके हैं, सुल्तानपुर के वेंडर से खाना लिए होंगे, वो खाना का गारंटी मेरा नहीं है, मेरा गारंटी है, मैंने पैकेट ला के दिया। किस लड़के से? आपका पेंट्री का स्टाफ है, मेरा स्टाफ है जी, स्टाफ पहचाने जी। पैकेट लगाने वाला पानी रेल नीर के सिवा ये कैसे आया ट्रेन में? लोकल पानी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल आपका ट्रेन का ही है। दिनेश कुमार सिंह आपका क्यूआर कोड लेके घूम रहा है ना, वो दिनेश कुमार सिंह जी, हमने उसको ऑनलाइन 460 रुपए पेमेंट भी किया है। क्या चावल है? उनके टेबल पर रखे थे, फेंक दिए, यही ला के दिए उनको। हम क्या बोले? आप क्या रहे? आप क्या टैक्स मार रहे? शांति से आप रहिए, मैनेजर से हम बात कर रहे हैं, आप मत आइए। सर 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 जो चावल था ना, हम इनको टेबल पे लाके रखे हैं, हम ना पैसेंजर को पूछवा सकते हैं कि चावल कच्चे हैं कि नहीं है। बिरयानी सर बहुत बढ़िया था, हमने बिरयानी का बोला भी, हम झूठ बोल रहे हैं। पूरा खाना बांटेगा, सुनिए बाकी आप सुनिए, आप मुंह बंद रखिए, मैनेजर से हम बात कर रहे हैं, आप ज्यादा मत बोलिए। क्या तर्क है? हम बोले हैं आपको चावल कच्चा है, बोल क्या है? कंप्लेन बुक सर, आप कंप्लेन बुक दीजिए, कंप्लेन बुक आप दीजिए, बोला ना क्या बोले? हाँ हमने सर आपसे कॉफी मांगा था, पैकेट वाला नहीं था, हमने सर बोला चाय बनवा दो मेरे लिए, चाय बनवाया हमने, पैसा फेंक दिया। बिल्कुल सर, अभी खाना खराब है, लोकल पानी सेल किया जा रहा है सर, रेलनीर के अलावा आपको अलाउ नहीं है बेचना ट्रेन में, एस फाइव में आप जाके देख लीजिए, ये कपलिंग है ना, यहाँ पूरा सीबीसी कपलिंग के पास पूरा रखा हुआ है, पूरा पानी रखा है इंडियन रेलवे में। आप देखो फोटो, ये देखो फोटो, देखो फोटो, देखो आप नहीं आ रहे, चलिए आ रहे हैं, चलिए ना, ये देखो फोटो कैसे छुपा छुपा के पानी बेचा जा रहा है, वो भी बिस्लरी। अरे एस थ्री अभी तक रखा हुआ है, पानी बिस्लरी भी नहीं। सर कंप्लेन बुक निकाल दीजिए, उतारू उतारू के साथ पीते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी बिस्लरी, हमने इनको टेबल पिला के चावल रखा, चावल वहाँ से गायब हो गया, चावल गया कहाँ? पैसेंजर को पूछते हैं ना हम, चलिए पैसेंजर के पास चलिए, पैसेंजर को पूछवाते हैं ना हम। बिरयानी का चावल बढ़िया था, हमने इन बोला कि बिरयानी का चावल बढ़िया था, लेकिन ये चावल कच्चा था पूरा, मेरे पास वीडियो भी है, फोटो भी, हम चावल पैकेट पूरा लेके यहाँ पे रखे हैं। मेरा चावल कच्चा था, अच्छा था, लोकल पानी सेल किया जा रहा है, चावल कच्चा था, लोकल पानी सेल किया जा रहा है, ओवर प्राइसिंग खाना सेल किया जा रहा है, बिरयानी खाने के साथ दही नहीं दिया जा रहा है, जो कि आईआरसीटीसी के मेन्यू कार्ड में हर चीज ऐड है,
किसकी फॉल्ट है सर, किसकी फॉल्ट है सर? मेरी फॉल्ट है। तो प्राइस आप पूरा ले रहे हो, प्राइस आप ऊपर ले रहे हो 40। एक भैया को बोल रहे तो भाई आपका पराठा इतना पराठा 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 आपका पराठा आपका बहुत छोटा था, मतलब दो पराठा मिला के एक पराठा बन रहा था वो। पराठा भी अपने पास बना नहीं रहे हैं सर, ये है मैं अभी सुल्तानपुर। सर आप ना श्रिंक होता है ना, श्रिंक हवा भर देते हैं, जैसे चिप्स वाले पैकेट वाले नहीं करते हैं, कम भर देते हैं और हवा भर देते हैं, श्रिंक एंड उसका यूज कर रहे हैं। हम आपके भाई के साथ में हैं, शाम से मेरे हमसे बात किए ना। अरे सर बिल्कुल सर, कंट्रोल रूम को बता, हमें ये चाहिए कि हमें सबसे पहले आगे बजाई जाए और हम भी यही चाहते हैं, वरना ट्वीट करेंगे भाई। इतनी बदतमीजी से बात कौन करता है, हमें इनको 50 बार बोला कि हमें नॉर्मल पानी नहीं चाहिए, हमें सर रियल नहीं चाहिए। ऊपर से हमने इनको बोला कि खाना आप ओवर प्राइस ले रहे हो, 80 रुपए खाने का प्राइस है, हाँ और 80 रुपए खाने का प्राइस है, ये हमें 120 रुपए का दे रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि सुबह चाय नाश्ता पिला देंगे आपको, चाय पिला देंगे, मलाई चाय पिला देंगे। और जो वेज थाली है उसका प्राइस है 80 रुपए और ये दे रहे हैं उसको 100 रुपए में, और जो अंडा थाली है उसका प्राइस है 90 रुपए उसको दे रहे हैं 120 में, लेकिन ये दे रहे हैं 120 में, अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा दिया इन्होंने। ये कैसे चलेगा सर, पूरे पैसेंजर को पूछ लो, अगर पैसेंजर बोल देंगे ना कि चावल कच्चे नहीं है, हम अभी अपनी बात पैसेंजर को पूछ लो। और वैसे हमने मैरिज से कंप्लेंट बुक मांगा भाई, लेकिन वो दे नहीं पाए, और जो आरपीएफ वाले दो सर थे ना उनको भाई हमने रिटर्न कंप्लेन भी दे दिया, मेरा मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह हर चीज नोट करके चले गए। वैसे मैनेजर ने मेरा सारा पैसा रिफंड कर दिया, हमने चार थाली लिया था और साथ ही कट मिसिंग था, मतलब खाने का ओवरऑल क्वालिटी 10 में से 2 रेटिंग, दाल बढ़िया था, आलू का और आलू चना का सब्जी था वो भी कह सकते हैं ठीक था, लेकिन चावल का क्वालिटी भाई इतना गंदा उम्मीद नहीं किए थे भाई। विशाल भाई चावल का क्वालिटी ऐसा था कि हमारा पेट दर्द हो गया, और अभी पता ही क्या हो गया, आपने देख लिया होगा हर्ष भाई ने और हमने क्या किया भाई पेंट्री में। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपको भी ओवर प्राइस दिया जाता है, प्लीज अपने हक के लिए बोले। ये जो लोग बातें करते हैं कि भाई तू ऐसा करता है, तो किसी की मत सुने, अगर आपको ओवर प्राइस दिया जा रहा है तो बोले उसके खिलाफ। जैसे मैंने आपको बताया था सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन में हमारे कोच का वॉशरूम का कंडीशन इतना गंदा है और सिंक का भी कंडीशन इतना गंदा है भाई, सुपरवाइजर अभी तक साफ सफाई करने के लिए नहीं है, वो सुपरवाइजर से उसको हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं, सुपरवाइजर जो है फर्स्ट एसी में बैठ के आराम फरमा रहा है, मतलब उसको बस थर्ड एसी दिखता है, स्लीपर भाई नहीं दिखता हम लोग को, हम पैसा पे नहीं करते हैं क्या? वही चल रहा है अभी H1 में बैठा हुआ है। आईडी कार्ड देखे आपका नाम, अरे इसको रखिए ना भैया, क्यों भैया आईडी कार्ड देख रहे हैं आप, ऐसे नहीं निकाल सकते, दारू पी के बात मत कीजिए, दारू पी हुए पिए हुए हैं आप, मुंह से स्मेल कर रहा है, हम नाम चेक कर रहे हैं, ऐसे निकाल मत कीजिए, हम नाम चेक कर रहे थे ना, हल्ला मत कीजिए, काम कर रहा ना, जाके काम कीजिए, काम कीजिए, जाके बोले ना काम कीजिए, जाइए पिंटू जी आइएगा, थोड़ा आइएगा, दारू पी के बात ना कीजिए, दारू पी के बात ना कीजिए, समस्या बताइए सर, सुबह से हम जर्नी कर रहे हैं, उसमें उल्टियां करी हैं हमारे आसपास सब, पटना से चढ़ी तब से जो वॉश बेसिन है ना, हाँ उसमें जाने की हमें वो नहीं है, हाँ। ना साले चार्जिंग सॉकेट चल रहे हैं, सुबह से हम पागलों की तरह वहाँ बैठे हैं, वॉशरूम सब दोनों जाम है, करी ट्वीट करा हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, मजबूरी में हम यहाँ पे आए, मजबूरी में हम यहाँ पे आए, सुपरवाइजर दारू पी का जो जर्नी कर रहे हो ना भूत उतर जाएगा, पैसा पे नहीं किया सर, सर लेके आए हो मेरी बात, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ ना, दो मिनट के पेशेंस रखो ना जी सर, सर सुबह से मतलब कोई साफ सफाई करने की एक भी अभी बंदा ओबीसी स्टाफ नहीं है, मतलब सारा काम खड़े सी में होता है, हमने पीछे कहा था, हाँ मैंने ट्विटर पे कंप्लेंट भी किया, जो पेंट्री का स्टाफ था ना, एक एक आध बंदा उधर से क्रॉस किया, भैया बोले भैया साफ करवा दो, मतलब स्लीपर में जर्नी कर रहे दिक्कत होगा, तो मतलब कोई साफ सफाई करवाने के लिए नहीं है, सुपरवाइजर फर्स्ट एसी में आके बैठा हुआ है, सुपरवाइजर से हमने कहा था नहीं, सुपरवाइजर मिला कहाँ सर हमको, कहाँ मिलेगा भैया, एक मिनट इधर आइए, ओबीएस के बारे में जानकारी दीजिए, ओबीएस स्लीपर का कौन देख रहा है। तो भाई साहब हमने कंप्लेंट किया टीटी सर से, उसके बाद जाकर सुपरवाइजर खुद आकर साफ सफाई कर रहे हैं, उनके साथ एक स्टाफ है, कोच अटेंडेंट है सर, कोच अटेंडेंट है ना जी, हाँ सर, और आप सुपरवाइजर हैं जी, हाँ सर, और इनका कोई भी स्टाफ साफ सफाई करने के लिए नहीं आया है, कोई भी स्टाफ, और मिंटू क्या नाम बताया, मिंटू क्या नाम बताया, मिंटू कुमार सर, आपा ने उस बंदे का मितेश सिंह बंदा था जो सुपरवाइजर के साथ में उस वक्त था, वो दारू पिए हुए था, वो पी रहा है गुटखा खा रहा है, नाम बताइए सर, मितेश भाई आप ही जो नाम बता रहे हैं कि पूरा नाम क्या लिया आपने, तो भाई सिंह का कंडीशन आप देख लो कितना बेहतर हो चुका है, और अंदर वाला दिखवा दीजिएगा, मतलब फ्लश वगैरह वो हो गया अभी नहीं हुआ सर, और दोनों वॉशरूम भी अंदर वाला जाम है, उसको भी भैया कर दे रहे हैं, कर रहे हैं सर, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के पास जखने खबर पहुँचेगा खाली न करेंगे साहब, यहाँ पूछा मार दिया।
कर सकते हैं। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम कुछ नहीं चाह रहे हैं सर, बट हम सुधार आ जाए, बस ये आगे फ्यूचर में ये नहीं मिले सर, उसमें सुधार आ जाए सर। मतलब आम जनता को कितनी अच्छी तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, मतलब लोकल पानी सेल किया जा रहा है सर। मेरा एक ही डिमांड है सर उनसे, आप कंप्लेंट बुक हमें दिलवा दो, मैं अपना कंप्लेंट उस पर दर्ज कर सकूं। सर मतलब ये आम जनता है सर, आगे भी सर उन्होंने खाना लिया, मतलब चावल पूरी तरीके से कच्चा सर, मैंने थाली लेकर उनके सामने जाकर रख दिया सर, आप देख लो। उसमें से एक बंदा था पेंट्री का ही था, बोलता तुम दारू पी के बात कर रहे हो। अभी 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 आप भी खड़े, आप ये साक्षात देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब अपने एक नहीं एक मिनट को जब अपना वो बताने के ना छुपाएंगे दूसरे पे अटेंडेंट का, उसने शराब पिया हुआ है। अभी अभी आप चेक कर, H1 में बैठा हुआ है, शराब पीकर अभी चल रहा है, इतना पिया हुआ है वाला। अभी चल के अभी हॉल्ट है, अभी चल के आप देख सकते हैं। नाम है मिथेश, मिथिलेश, मिथेश कुमार करके, मिथेश सिंह है, मिथिलेश सिंह ऐसे कुछ है। H1 का अटेंडेंट डाल दीजिए आप, अटेंडेंट लंबे शराब पीता है, शराब पीकर गुटखा खाकर सर बोल रहा है, हम ही को सर धमकी दे रहा है उल्टा, तुम्हें देख लूंगा। सर मिल लीजिए एक बार, सुधार सर ठीक है सर, लेकिन वो कोच अटेंडेंट वाली देख लीजिए। वैसे भी जब मैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन कवर करने के लिए बाहर आया था, वैसे ही एक RFF का स्टाफ गया था हमारे कोच के अंदर, हमने पेंट्री कार में जो भी हमारा सीन हुआ था OBC स्टाफ से जो सीन हुआ था ना, वो भाई हमारे पास है, बोल रहे थे भैया आप रिटर्न एप्लीकेशन दे दो, जो भी गलती है मैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो। फिर हमने बोला भाई पेंट्री मैनेजर अपना गलती एक्सेप्ट कर लिया, वो बोला अगली बार से ऐसा गलती नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोच अटेंडेंट जो मिथिलेश सिंह करके कोई था, वो भाई दारू पी हुआ था, मैंने उसके खिलाफ रिटर्न एप्लीकेशन दे दी है, क्योंकि भाई दारू पीकर जर्नी करना ये गलत है। मतलब वो कोच अटेंडेंट है, मतलब जो भी बंदा आएगा उसको भाई वो पेट्रोल वगैरह सर्व करेगा, लेकिन नहीं वो दारू पी के भाई मतलब इस तरीके से मतलब जर्नी कर रहा है, ये तो भाई सरासर गलत है यार। वैसे हमने रिटर्न एप्लीकेशन दे दी है। तो भाई आधे घंटे की होल्ड लेने के बाद अपने डिपार्ट ले चुकी है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से, तो चलिए अब डिपार्चर देखिए। पहुंच चुके देश के नाथा भाई, जर्नी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया लगा। एंड रात को जो हम बोले भाई वो काफी अच्छा लगा, हमें अपने हक के लिए बोलना जरूरी है भाई। लेट हो गए बट क्या करना था, पहले पहुंच गया, अभी चाय भाई पीते बाहर। और मतलब थोड़ी सी लेट, 3 घंटे लेट आई है।